हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे सरिता ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। हेलो फ्रेंड, आप सबका मेरे सरिता ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? जो हम तो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लेकिन थोड़ा परेशान है क्योंकि थोड़ा इस समय प्रॉब्लम चल रही है हमारे घर पे कि थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। क्या बताएं, जो है कि थोड़ा इस समय बेटी की तबीयत एकदम ख़राब चल रही है, इसीलिए ना तो हम किसी के चैनल पे जाए, कब हमको हॉस्पिटल जाना पड़ जा रहा है कि कोई पता नहीं कि कब हमको जाना पड़ जाए, कोई संभव नहीं है कि बेटी उसका अचानक तबीयत ख़राब हो जाता है, कुछ मालूम नहीं रह पड़ता कि कब उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ पता नहीं है जो है। और क्या बोलते हैं, सारी मैंने जाँच भी करवा ली, सारे सीटी स्कैन हो गया, थायराइड जाँच हो गया, ब्लड जाँच हो गया, सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ रही है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम किया करें, किसको दिखाएं। कई डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कल फिर हमको जाना है दूसरे डॉक्टर को दिखाना है उसको, क्योंकि एक डॉक्टर है वो बोले कि आप उनको दिखाइए दूसरे डॉक्टर को। एक डॉक्टर है, क्या बोलते हैं, शिशिर वर्मा या बोलते हैं गौरव श्रीवास्तव को, ये दोनों में से किसी को दिखाइए। अब उनको दिखाना है, उसको पता नहीं क्या एक बैग ऐसा हो जाता है कि उसको घबराहट होने लगती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं, कभी सीने में दर्द होने लगता है, कभी सर में दर्द होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसकी पढ़ाई साथ साथ पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। इस बार हाई स्कूल था उसका, लेकिन ऐसा होने ना वो पढ़ाई कर पा रही ना कुछ कर पा रही है। अभी हमको कल शाम को उसको एक बैग हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ा, कल शाम को वही उसकी जो अक्सर पर शाम को ही तबीयत उसकी ज़्यादा ख़राब होती है। तबीयत तो मतलब कि उसकी तबीयत ख़राब होती है सुबह 10 बजे के बाद से ही, उसकी शरीर जो है भारी पड़ने पर लगता है, जैसे कि शरीर, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान का शरीर कुछ हल्का रहता है और तबीयत अगर ख़राब है तो उसका भारी पड़ने लगता है, तो उसका 10 बजे के बाद से शरीर उसका भारी पड़ने लगता है और शाम तक 6 बजे तक जो उसकी तबीयत एकदम ख़राब हो जाती है। इसी वजह से इतना टेंशन रहता है, इतना चिंता रहती है। हाँ बेटी है कि क्या हो गया इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। डॉक्टर के आज कम से कम 1 महीने हो गया हम लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना तो कुछ रिपोर्ट में निकल रहा है ना कुछ हो रहा है। अब कल दिखाते हैं डॉक्टर को, क्या बताते हैं जो है। कल अभी मैं आप लोगों को फैज़ाबाद लेके गए डॉक्टर के यहाँ, दिखाते हैं आप लोगों को कि हम कल किस डॉक्टर को, हमने कल एक लेडीज डॉक्टर को दिखाया था, बोले कि कुछ लेडीज डॉक्टर को दिखा दो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उनको भी दिखाया, तो उन्होंने भी बोला कि देखो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको शिशिर वर्मा को या जो है गौरव श्रीवास्तव को दिखाइए जो है। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कल हम इतनी रात को कितने शाम को हम अकेले हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड जो है ड्यूटी पर थे, शाम के समय था, तो अकेले हम लेकर गए हैं फैजाबाद इसको दिखाने डॉक्टर के। देखिए एकदम अंधेरा हो चुका था लेकिन अभी उसकी एक बैग अचानक तबीयत ख़राब हो गई, इसको दर्द होने लगा सीने में, फिर इसको हम लेकर हॉस्पिटल गए, तो रास्ते में है जा रहे हैं इसको लेकर हॉस्पिटल जो है। एकदम अंधेरा हो गया था रास्ते में जो है, मौसम भी नहीं सही था, बादल एकदम छाया हुआ था, बारिश भी होने वाली थी और हम रास्ते से जा रहे थे, लेकिन डर भी लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि रात में जाओ घर पे बच्चे अकेले रहते हैं, छोटे छोटे भी बच्चे हैं, सबसे बड़ी यही है और इससे छोटे सारे बच्चे हैं। हम यहाँ पर फैजाबाद पहुँच चुके हैं जो है, यहाँ फैजाबाद बाईपास पहुँच चुके हैं, बाईपास पे ही हमको उतरना है, उसके बाद फिर हस्बैंड आएंगे और ले जाएंगे लेंगे। और हम देखिए हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, हॉस्पिटल का ये व्यू है। अब यहाँ पे सब जो है बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी लेकिन भीड़ भी थी, यहाँ पे पर्चा वगैरह बनवा लिए थे, नंबर लग गया था और यहाँ पे जो है इतने जो है मरीज बैठे थे देखने के लिए, इस क्योंकि सबसे लास्ट में, क्योंकि हम सबसे लास्ट में पहुँचे थे, सबसे लास्ट में ही नंबर आया। इन डॉक्टर को इनको यहाँ पे गए दिखाए, इनका है नियो नहीं
अब ये है, हम डॉक्टर को दिखा के निकल आए हैं, हस्बैंड दवा ले रहे हैं, हम बाहर खड़े हुए हैं, ये भी खड़े हुए हैं, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने बोला कि इसको जो है दूसरे डॉक्टर को दिखाइए। हम ये समझ लीजिए कि 4-5 डॉक्टर को दिखा चुके हैं लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।